जज साहब सबको माला पहनाएंगे। इस देश में आतंकवादियों के लिए 12 बजे रात को कोर्ट खुला है, मोतिहारी का कोर्ट खुले 12 बजे रात से पहले, और निकाला जाए आर्मी के जवान को, एक इतिहास बनाया जाए। गांधी जी यहीं से इतिहास बनाए थे। बिस्मोहन सर आपको इतिहास बनाने का मौका मिला है, आप इतिहास आप लोग के साथ सहानुभूति है जो हुआ सो, मतलब की अब रह गई जुडिशियल प्रोसेस में, तो हम जो है पूरा मदद करेंगे। हम लोग साहब हमको भेजे हैं, मदद ये करेंगे कि कल रक्सौल थाना प्रभारी को हम बोले हैं इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्टर साहब थे नहीं, इसको बंद कीजिए ना, फिर हमारी बात रिकॉर्डिंग भी कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि हम लोग जाके, अब तो जुडिशियल प्रोसेस में चला गया तो हम लोग वहाँ जाके रिक्वेस्ट करेंगे, और बाद में जो केस में भी होगा वो भी मदद। सर देखिए, हम जानते हैं कि आप अच्छे आदमी हैं, तभी यहाँ पे आके अच्छे ढंग से बात कर रहे हैं। अगर आप गलत होते तो आप सस्पेंड होते आज, ठीक है, ये बात सही है। सर वो बहन को देखिए, उसके आंख में देखिए सर, और आंख में देखिए उसका पति, उसका शादी एक महीना पहले हुआ है, उसका पति जो देश की रक्षा करता है उसको रक्सौल में दौड़ा दौड़ा के मारा गया सर, क्या वो सही था? जो हुआ गलत हुआ, गलत हुआ सर, नहीं होना चाहिए। अरे तो गलत के बाद एक और गलत हुआ कि उसी को जेल में डाल दिया गया सर, तो कर लीजिए, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। रह गई मदद की बात, जो अगला प्रोसीजर है उसमें हम लोग खुल के मदद करेंगे। नहीं सर, और कल हम आप जेल से निकलवाइए सर, एकदम कल सर, कल हम सुनिए सर, हम सड़क पे नहीं उतरेंगे, सुनिए सर हम लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे, ट्रैफिक जाम नहीं करेंगे, किसी को तकलीफ नहीं होगा, यहाँ मच्छर काटे या जो भी काटे हम लोग बैठेंगे सर। कल आप निकलवा दीजिए, हम लोग घोड़े पे बैठा के उसको फिर से लेके जाएंगे दुल्हा बना के सर। जो लेकिन एक आर्मी के जवान को दौड़ा दौड़ा के मारा गया सर, अब सर, हमारे लेवल का जो चीज होगा वही होगा, ठीक है सर, जुडिशियल प्रोसेस में आ गया, ठीक है सर, आप 10 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा सर, हम लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे, कोई एम्बुलेंस नहीं रोकेगा, कोई गाड़ी नहीं रोकेगा, कोई जाम नहीं करेगा, कोई अपशब्द नहीं बोलेगा, कोई प्रशासन को गलत नहीं बोलेगा, कोई यहाँ के DM SP को गलत नहीं बोलेगा, SDM को गलत नहीं बोलेगा सर। लेकिन हम अपने जवान को घोड़ा पे फिर से बैठाएंगे और दुल्हा की तरह उसको सजा के यहाँ से जेल से उसके घर लेके जाएंगे, ताकि उसका इज्जत का हनन हुआ है सर। बस सर, हम कुछ नहीं, आप लोगों से बस इतना ही सहयोग चाह रहे हैं कि सर आप लोग छुड़वा दीजिए बस सर, बस सर, नहीं हम लोग को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सर एक सवाल पे लोग बताया वो मैं बात बता रहा हूँ, अब अंदर से क्या है वो मुझे नहीं पता है। एक ईमानदार थाना प्रभारी में आपका नाम है बिस्मोहन चौधरी जी, ठीक है, एक मिनट सर, पहले कहा गया 7 दिन में छोड़ा जाएगा, उसके बाद कहा गया 2 दिन में छोड़ा जाएगा आर्मी के जवान को, उसके बाद कहा गया कि कल छोड़ा जाएगा सोमवार को आर्मी के जवान को। इस देश में आतंकवादियों के लिए 12 बजे रात को कोर्ट खुलता है, खुलवा दीजिए कोर्ट मोतिहारी का, एक इतिहास बना देते हैं हम लोग, और 12 बजे से पहले आर्मी के जवान को दिए करवाइए सर। तब सर उस आर्मी के जवान के साथ साथ आपको भी माला पहनाएंगे और उसके साथ आपको भी लेके चलेंगे सर। जी आप मेरी बात सुनिए सर, हम कहीं कोई सिकवा गिला नहीं है सर आपसे, और ना ही पीछे जो खड़े हैं आपके भी परिवार के साथ, अगर कुछ होगा ना, आप पुलिस वाले हैं ना, मनीष कश्यप वहाँ पे भी उतना ही ईमानदारी से खड़ा रहेगा सर। जज साहब सबको माला पहनाएंगे। इस देश में आतंकवादियों के लिए 12 बजे रात को कोर्ट खुला है, मोतिहारी का कोर्ट खुले 12 बजे रात से पहले, और निकाला जाए आर्मी के जवान को, एक इतिहास बनाया जाए। गांधी जी यहीं से इतिहास बनाए थे। बिस्मोहन सर आपको इतिहास बनाने का मौका मिला है, आप इतिहास बनाइए, बनाइए सर। ये चमकता हुआ बिहार पुलिस का स्टार जो है ना, वो चमकता हुआ जो है आपके माथे पे लग जाएगा, जिंदगी भर आप जो है गर्व महसूस कीजिएगा कि एक आर्मी के जवान के लिए मैंने कोर्ट खुलवा दिया रात में सर, एकदम सर। और ये लोग जो ताली बजा रहे हैं ना सर, वो जब भी आप एक मिनट जिस भी रास्ते से आप गुजरिएगा ना, लोग आपके लिए ताली बजाएंगे सर। सर एक बात एकदम, मोतिहारी में कोई ऐसा अधिकारी बताइए जिनके खिलाफ हम आंदोलन नहीं किए हो, कोई है? सबके खिलाफ लगभग आंदोलन किए हैं। बिस्मोहन सर के खिलाफ अगर अनिकेत का आंदोलन एक भी हमको बता दीजिए, हुआ है आपके खिलाफ? क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है हम लोगों। कल तो निकलेंगे ही निकलेंगे, अगर आपका प्रयास 12 बजे से पहले कोर्ट खुलवा देता है तो बिहार में एक नया इतिहास बनाया जाएगा सर, एकदम एकदम। हरी डर बाबू यही बैठ के बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं लोगों से, बात कर रहे हैं, बात करते हैं आपसे। हम सर SDPO साहब देखते हैं कि नहीं,
बात करते हैं, निकल के हम यहाँ बात करते हैं, यहीं पर हम बात करते हैं। सर हम लोग सड़क जाम नहीं करेंगे, सही बात है। हम लोग किसी को उदंड तरीके से नहीं बोलेंगे। सर आपके भी बच्चे के साथ अगर भविष्य में कुछ होगा ना, तो ये मनीष कश्यप जैसे जितने लोग हैं ना, वो ईमानदारी पूर्वक खड़े रहेंगे। एकदम प्रयास कीजिए, क्या पता एक नया इतिहास बन जाए। प्रयास कीजिए सर, कल तो हम रहे करेंगे एग्जाम, अभी रात वाला प्रयास हम करेंगे, प्रयास को बताएंगे। कल मैं खुद रहूंगा 10 बजे से लगातार, और मैं जितनी भी कार्रवाई होगा हम उनको भाई को बताए हैं कि अगर नहीं जो हुआ तो हुआ। बात हो रहा है और सर आए हैं नगर थाना से, आप लोग के साथ सहानुभूति है, जो हुआ सो मतलब की अब रह गई जुडिशियल प्रोसेस में, तो हम जो है पूरा मदद करेंगे। हम लोग साहब हमको भेजे हैं, मदद ये करेंगे कि कल रक्सौल थाना प्रभारी को हम बोले हैं, इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्टर साहब थे नहीं, इसको बंद कीजिए ना, फिर हमारी बात रिकॉर्डिंग भी कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि हम लोग जाके, अब तो जुडिशियल प्रोसेस में चला गया, तो हम लोग वहाँ जाके रिक्वेस्ट करेंगे, और बाद में जो केस में भी होगा वो भी मदद करेंगे। सर देखिए, हम जानते हैं कि आप अच्छे आदमी हैं, तभी यहाँ पे आके अच्छे ढंग से बात कर रहे हैं। अगर आप गलत होते तो आप सस्पेंड होते आज, ठीक है, ये बात सही है। सर वो बहन को देखिए, उसके आंख में देखिए सर, और आंख में देखिए उसका पति, उसका शादी 1 महीना पहले हुआ है, उसका पति जो देश की रक्षा करता है उसको रक्सौल में दौड़ा दौड़ा के मारा गया सर, क्या वो सही था? जो हुआ गलत हुआ, गलत हुआ सर, नहीं होना चाहिए। अरे तो गलत के बाद एक और गलत हुआ कि उसी को जेल में डाल दिया गया सर, तो क्या लीजिए इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। रह गई मदद की बात, जो अगला प्रोसीजर है उसमें हम लोग खुल के मदद करेंगे। नहीं सर, और कल हम आप जेल से निकलवाइए सर, एकदम कल सर, कल हम सुनिए सर, हम सड़क पे नहीं उतरेंगे, सुनिए सर, सुनिए सर, हम लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे, ट्रैफिक जाम नहीं करेंगे, किसी को तकलीफ नहीं होगा, यहाँ मच्छर काटे या जो भी काटे हम लोग बैठेंगे सर। कल आप निकलवा दीजिए, हम लोग घोड़े पे बैठा के उसको फिर से लेके जाएंगे दुल्हा बना के सर, जो लेकिन एक आर्मी के जवान को दौड़ा दौड़ा के मारा गया सर। अब सर, हमारी हमारे हमारे लेवल का जो चीज होगा वही होगा, ठीक है सर, जुडिशियल प्रोसेस में आ गया, ठीक है सर। आप 10 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा सर, हम लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे, कोई एम्बुलेंस नहीं रोकेगा, कोई गाड़ी नहीं रोकेगा, कोई जाम नहीं करेगा, कोई अपशब्द नहीं बोलेगा, कोई प्रशासन को गलत नहीं बोलेगा, कोई यहाँ के DM SP को गलत नहीं बोलेगा, SDM को गलत नहीं बोलेगा सर। लेकिन हम अपने जवान को घोड़ा पे फिर से बैठाएंगे और दुल्हा की तरह उसको सजा के यहाँ से जेल से उसके घर लेके जाएंगे, ताकि उसका इज्जत का हनन हुआ है सर। बस सर, ठीक, हम कुछ नहीं, आप लोगों से बस इतना ही सहयोग चाह रहे हैं कि सर आप लोग छुड़वा दीजिए सर, बस सर, बस सर, नहीं हम लोग को नहीं चाहिए, नहीं नहीं चाहिए सर। एक सवाल है कि